वैसे तो Xiaomi इंडिया में अभी भी नंबर वन कंपनी बनी हुई है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जो कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनी इसको पीछे कर सकती है। तो Xiaomi को अपने स्मार्टफोन में ये 10 चीजें लाना चाहिए हर हालत में। वो कौन सा चीजें हैं जो यहाँ पर चेंजेस कर सकता है Xiaomi और फिर से इंडिया में जो है अपना पकड़ बना सकता है, अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव, आप देख रहे हैं यहां एवरीथिंग। दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि इंडियन मार्केट में जो 5 से 20 हजार का बीच है वहां पर जो स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं वो काफी ज्यादा बिकते हैं, और Xiaomi जो है इसी प्राइस रेंज में अपना सारा स्मार्टफोन बेचता है इंडिया में, और इसी कारण नंबर वन कंपनी बना था इंडिया में। अब दोस्तों Realme जैसे कंपनी इंडिया में आ चुका है और बहुत अच्छे ग्रो कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से Xiaomi जो है इंडियन मार्केट में ठंडा हो चुका है। कुछ भी नया काम यहाँ पर जो अलग काम है Xiaomi के लिए जाना जाता है वो नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि Xiaomi जो अपने आने वाले स्मार्टफोन में ये 10 चीजें ला दे तो अभी भी Xiaomi जो है काफी अच्छे तरीके से इंडियन मार्केट में पकड़ बना सकती है। जो पहला चीज है वो डिजाइन। दोस्तों आप जानते हैं कि Xiaomi ने यहाँ पर फोन लॉन्च किया था Redmi का Note 3, उसके बाद Xiaomi के हर एक फोन में आप देखेंगे लॉन्च जो हुआ है, चाहे वो प्लास्टिक बॉडी हो या यहाँ पर मेटल बॉडी हो, सारा फोन जो है एक ही लगभग डिजाइन के साथ आता है अगर आप बैक साइड से देखें तो Xiaomi को अपने डिजाइन पर ध्यान देना चाहिए और अपना नया फोन जो है काफी अच्छे डिजाइन के साथ निकालना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं Realme 2 Pro के बारे में जो कि काफी गजब का डिजाइन दिया गया है, उसी तरह से Xiaomi को अपने नए फोन में कुछ इस तरह का डिजाइन लाना चाहिए, ग्लास बॉडी लाना चाहिए, शाइनी बॉडी लाना चाहिए, जिससे कि उसका स्मार्टफोन दिखने में काफी खूबसूरत लगे। अब जो सेकंड पॉइंट है वो डिस्प्ले। दोस्तों हमें कम से कम 6 इंच का डिस्प्ले चाहिए आज के जमाने में, और वहां पर भी हमें नॉच चाहिए। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को नॉच पसंद है, लेकिन अभी नया ट्रेंड चला है वाटर ड्रॉप नॉच का, तो Xiaomi जो है इस पर ध्यान दे सकता है और वाटर ड्रॉप नॉच के साथ इंडिया में फोन लॉन्च करे Xiaomi तो काफी अच्छा यहाँ पर बात बन सकता है Xiaomi के लिए। और डिस्प्ले में हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलना ही चाहिए आज के जमाने में। तीसरा चीज जरूरी है यहाँ पर अच्छा प्रोसेसर। जी हाँ, Xiaomi अगर यहाँ पर कम प्राइस में काफी अच्छा प्रोसेसर लाता है तो अपने स्मार्टफोन को यहाँ पर अच्छे तरीके से फिर से यहाँ पर जो इंडियन मार्केट में पकड़ बना सकता है। स्नैपड्रैगन के यहाँ पर लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ यहाँ पर Xiaomi जो अपना स्मार्टफोन लॉन्च करे, जैसे कि स्नैपड्रैगन का 660 या 710, इस प्रोसेसर के साथ Xiaomi को यहाँ पर कम प्राइस में अपना फोन लॉन्च करना चाहिए इंडियन मार्केट में। फोर्थ नंबर जरूरी है यहाँ पर बैटरी। Xiaomi को अब सारे स्मार्टफोन में लगभग 4000 mAh बैटरी देना ही चाहिए, 4000 mAh से बैटरी से कम यहाँ पर नहीं करना चाहिए, 4000 से लेकर 5000 mAh से बैटरी यहाँ पर देना चाहिए Xiaomi को अपने आने वाले स्मार्टफोन में। अगर यहाँ पर इतना बड़ा बैटरी मिलता है तो काफी सारे लोग जो है बैटरी लवर लोग हैं और उनको स्मार्टफोन में बड़ा बैटरी चाहिए। फिफ्थ नंबर रिक्वायरमेंट है अच्छा कैमरा। Xiaomi को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए अपने कैमरे के ऊपर। हमें अब यहाँ पर Mi A2 जैसा कैमरा ही चाहिए इस प्राइस रेंज में, लगभग 12+20 मेगापिक्सल का, जो कि यहाँ पर अदर फोन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। सेवंथ यहाँ पर जरूरी है अच्छा सेल्फी। जी हाँ, अब जो यहाँ पर इंडियन मार्केट में सेल्फी लेने वाले बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पर कम से कम Xiaomi को जो अपने आने वाले स्मार्टफोन में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जरूर देना चाहिए विद फ्लैश लाइट के साथ, तो यहाँ पर सेल्फी कैमरा भी हमारे लिए जरूरी है काफी ज्यादा। सातवां यहाँ पर जरूरी है, एक फोन में यहाँ पर डुअल 4G का सपोर्ट होना चाहिए, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होना चाहिए और हमें बॉक्स के अंदर ही फास्ट चार्जर मिलना चाहिए। एट नंबर जरूरी है हमें टाइप सी। जी हाँ, अब हमें यहाँ पर इस प्राइस रेंज में टाइप सी चाहिए ही चाहिए। टाइप सी अब यहाँ पर हमारा फ्यूचर है और कंपनी जो है धीरे धीरे 3.5 mm ऑडियो जैक को हटा रही है, तो हमें यहाँ पर टाइप सी देना ही चाहिए। और हाँ, कंपनी ध्यान दे कि 3.5 mm ऑडियो जैक को ना हटाए। नाइन्थ नंबर जरूरी है Xiaomi के स्मार्टफोन में म्यूजिक। जी हाँ, Xiaomi जो अपने फोन में यहाँ पर म्यूजिक पर ध्यान नहीं देता है तो Xiaomi को यहाँ पर डुअल स्पीकर पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि Lenovo के स्मार्टफोन में काफी अच्छा यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी मिलता है, डॉल्बी वाला आपको यहाँ पर इफेक्ट मिलता है Lenovo के स्मार्टफोन में, उसी तरह से Xiaomi को कुछ ना कुछ अपने म्यूजिक सिस्टम पर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए अपने फोन के साथ। और आखिरी नंबर जो जरूरी है, प्राइस। जी हाँ, अगर Xiaomi ये सब लेकर यहाँ पर फोन इंडिया में लॉन्च करता है, एक फोन में अगर ये सब दे देता है तो इसका प्राइस 12 से 15 हजार के नीचे ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 15 से 20 हजार के बीच में होता है तो काफी अच्छा होता है, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे लोग 10 से 15 हजार के बीच में ही स्मार्टफोन खरीदते हैं इंडियन मार्केट में, तो Xiaomi को यहाँ पर 12 से 15 हजार के बीच में ये सारे आपको मिलने चाहिए एक स्मार्टफोन में, और उसका प्राइस जो है 15 हजार से नीचे ही होना चाहिए, तब जाकर Xiaomi जो है इंडियन मार्केट में फिर से पकड़ बना पाएगा। क्या आपको भी लगता है कि Xiaomi अगर एक फोन में ये सारे चीज दे दे तो वो फोन कैसा होगा, ये फोन परफेक्ट होगा या नहीं होगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि Xiaomi जो आने वाले दिन में कुछ ऐसा ही फोन इंडिया में लॉन्च करेगा और कम प्राइस के साथ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।